12 बजे अपन लास्ट में मिले थे, आपने ऑल द बेस्ट बोला था, अच्छा लगा। मैं अभी पढ़ा उस टाइम, तो वीडियो बना के जस्ट चला गया था, नाउम्मीदी के साथ ही गया था। लेकिन हर बार क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में कैसे उम्मीद खिल जाती है। मीन्स मेरे सामने वही क्वेश्चन क्यों परोस दिया जाता है जो कि कुछ 8th बेस्ड है, कुछ 10th बेस्ड है, कुछ को आप पढ़ के और अप्रोक्सीमेशन के साथ आंसर निकाल सकते हैं, कुछ का घटिया है ना ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यार अगर कोई मेरे जैसे प्रिपरेशन के साथ में 24 क्वेश्चन बना ले तो उसको क्या कहेंगे। मीन्स 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और मेरे को पता है उसमें 15 राइट है, तो वो आपके लिए पता है कि 60 मार्क्स आउट ऑफ 300 इज नथिंग, इज अ बुलशिट, 20% स्कोर इज वॉट। लेकिन मेरे अंदर वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और एक तरीके का रिपेंट भी, जिसको मैं शब्दों के थ्रू है ना निकालना नहीं चाहूंगा, काम के थ्रू उसको प्रूफ करना चाहूंगा। प्रूफ करने जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन कुछ उसी तरह का कि बस करना है काम। क्योंकि जितने आसान आसान सवाल थे ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वॉज सीमिंग लाइक कि यस इट कैन बी डन विद द बेसिक नॉलेज। फिजिक्स में ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई रेड एंड अटेम्प्टेड, ऐसे कैसे यार। मीन्स विदाउट स्टडिंग द चैप्टर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हाउ। तो सच वॉज द क्वेश्चन ही। तो ये आज का, आज तो मैं ऐसे ही जस्ट आके और रॉ एनालिसिस कर रहा हूँ, रॉ मेमोरी बेस्ड चीजें मैं बात कर रहा हूँ। इसका पेपर आएगा ना, मैं पीछे वाले बोर्ड पे उस पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर आपको, आप खुद ही देख लेना कि भाई कितने आसान आसान थे। मैं जब बना रहा था तो ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि अरे यार ये एक क्वेश्चन था जिसको 8th स्टैंडर्ड 8वीं क्लास के नॉलेज के बेसिस पे भी बनाया जा सकता था, 10th स्टैंडर्ड पे भी एक दो क्वेश्चन मिले, और बाकी सब 11th 12th में हर एक चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना। वैसे अब जैसे ये देखिए, ये सब तो वगैरह वगैरह जैसे आप एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो मिल जाते हैं, और ये अभी जस्ट रेजोनेंस से ही आया हूँ लौट के, पढ़ता नहीं हूँ पर ठीक है, क्वेश्चन डिराइव करवा रहा था, दैट्स अ स्टोरी। मतलब उधर से आ रहा था, ऑटो में बैठा तो रेजोनेंस की टी शर्ट ही पहन के चला गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई रेजोनेंस की बस आई हुई है, तुम भी बैठ जाओ। मैं आ गया वहां पे, और वहां पे उतर के घर आने वाला था तो फिर एक टीचर मिलते हैं, कहते हैं कि कम ऑन एंड हेल्प अस इन डिराइविंग क्वेश्चंस। भाई मैं तो सकपक रह गया कि मैं क्या डिराइव क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस था कि नहीं अटेम्प्ट करा है तो डिराइव भी करा सकता हूँ। तो फिजिक्स के लगभग 10-12 क्वेश्चन तक डिराइव मैं करा पाया, और 10-12 क्वेश्चन वो मेरे अभी दिमाग में भी होंगे। केमिस्ट्री में भी 7-8 क्वेश्चन मेरे ध्यान में है, और एज आई ऑलवेज वेरी ओपन ही हूँ आपके सामने, व्हाट हैपेंस आई जस्ट टेल, और फिर भी ज्ञान की बातें करता रहता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि ज्ञान की बातें किस मुंह से निकल रही हुई है उससे ज्ञान सही या फिर नहीं ये डिसाइड नहीं होता है ना, तो बस यही एक चीज है जिसके वजह से मैं इस बात में शर्म नहीं करता हूँ कि आई एम नॉट दैट कैपेबल इनफ नाउ, सो वॉट एवर आई टेल वोंट मीन एनीथिंग। तो अगर आप रिसेप्टर हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, किस फालतू के यहाँ से आ रही है, किस इनकैपेबल की यहाँ से आ रही है। अगर आवाज आ रही है उस आवाज को आप तोलोगे, इंसान जहाँ से आ रही है वो नहीं तोलोगे, है ना। तो यही समझ के तो मैं आपसे करता रहता हूँ, यू आर गुड पर्सन। ठीक है, तो अब पढ़ाई का टाइम हो रहा है, तो अच्छे से डिराइव करके क्वेश्चन आएगा ना तो उसका सॉल्यूशन अपन लोग कर देंगे, और देखता हूँ एक दो चैप्टर पढ़ के, और कल जिसका एग्जाम होगा उन लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी। और इंगेजमेंट अगर आ जाता है आप लोगों का, कमेंट वगैरह, जैसे एक पोल में कराया था ना आज ही सुबह, तो उसमें कि किसी का 18 को है, किसी का 17 को है, किसी का कल सुबह होगा, 17 को फर्स्ट सेकेंड में, तो उनको शायद कुछ मदद मिल जाएगी। पर पेपर के लेवल को अगर स्केल पे पॉइंट किया जाए, अगर 10 के मानक पे, जैसे जेईई मेन का क्वेश्चन, तो मैं उसको टफनेस के आधार पे 5 के इर्द गिर्द रखूंगा, 5 के इर्द गिर्द। मतलब अगर आप 18 का पेपर देखोगे, आप 17 का पेपर देखोगे, तो आप लोगों को लगेगा कि कितना ज्यादा टफ आया करता था, और आज का पेपर देखो। ठीक है, तो वो तो सबका अपना अपना होता है, पर बेसिक पीछे का रीजन के साथ साथ है ना क्वेश्चन आएगा तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाउ आई एम टेलिंग ऑल दोज क्वेश्चंस वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करना,
will try my best to support that with whatever I have. Thank you.